seasons. It gives them the hope. Then. Yes. Ready? Phone on fire. Let's go. Okay, so firstly, the night manager of season 1 has got a great response. And jahan tak chhota tha wahan tak to definitely tha ki season 2 is going to come. So we are very excited for the season 2. Aap log kya kuch kehna chahoge about season 2? आई थिंक ये सीज़न टू बहुत लकी है क्योंकि सीज़न टू का जब से हमने ये पार्ट टू एक्चुअली हम कहेंगे हमने जब अनाउंस किया है तो शोभिता जी कहीं से दुनिया के कोई भी कोने में होते हैं वो वापस आ जाते हैं हमारे साथ टाइम बिताने के लिए. सो दैट्स अ बेस्ट थिंग अबाउट अबाउट पार्ट टू. नहीं बट जोक्स अपार्ट आई थिंक ये कहानी अधूरी थी. बहुत सारे पत्ते अभी खुलने बाकी है और स्पेशली कावेरी के कैरेक्टर के बारे में आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि यू नो क्या है उसके राज, क्या छुपाया हुआ है. सो आई थिंक बस उसी के लिए भी अगर एक पार्ट टू होता तो इट वाज स्टिल वर्थ इट. आप कुछ बताना चाहो कावेरी का किरदार जो सीजन 2 में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पीपल के रिस्पांस? मैं एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ. द सिंपल फैक्ट दैट पार्ट 1 में बहुत सारे ऐसे प्लॉट पॉइंट्स हैं जो इंट्रोड्यूस होते हैं, बट इट इज़ इन द सेकेंड पार्ट दैट इट ऑल ब्लूम्स. सो देर इज़ आई एम वेरी क्यूरियस फॉर पीपल टू इन्जॉय दैट राइड, एक्सपीरियंस दैट राइड. नॉट जस्ट कावेरी बट शान, शेली, एवरी कैरेक्टर आई थिंक गोज थ्रू अ लॉट ऑफ हाइज एंड लोज. एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ द नाइट मैनेजर इज मच मोर एक्शन पैक्ड. सो देर इज अ लॉट टू ऑफर. वही तो सस्पेंस है. 23. आई थिंक ये आपको कहानी क्या होगी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितने हिस्से में आएंगे उसमें क्या. मेरे ख्याल से आप लोग एंजॉय करेंगे. एज शोभिता ने कहा कि इट्स धमाकेदार है, मसालेदार है और जो भी कहे ना कि जो वादे किए हैं पार्ट 1 ने वो सब निभाने हैं इसमें. सो उसके लिए आप तैयार हो जाइए. यू नो अगर आपकी सीट से उसमें बेल्ट बेल्ट अगर आपको डालना है डाल दीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी अ राइड. आप ऐसा मत बोलिए, बहुत मेहनत हुआ है म्यूजिक पे, बहुत खर्च किया है इन्होंने और बहुत पैसे भी. मैं हमने हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सैम सीएस चेन्नई से हैं. आई थिंक हमने इतनी ट्रिप्स की हैं चेन्नई में कि वहाँ पे मेरा और एक घर बन सकता है शायद होटल विल्स पे. नहीं पर बहुत मेहनत हुई है और हर डिपार्टमेंट से हुई है. आई विल से एक्चुअली हम मैं नहीं कहूँगा कि आपको पहले पार्ट में ड्रामा कम था या मैं किसी तुलना नहीं कर रहा, पर मुझे ये लग रहा है कि जो ज़रूरत था उस कहानी को वो हम सब ने जितना दे सकते हैं दिया है, चाहे वो परफॉर्मर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप कहे. सो हर एक ने अपना कहे तो पार्ट 1 था पर दिया हमने 200% ही है हर पार्ट के लिए. तो या इट्स एन इंटरेस्टिंग डांस बिटवीन द टू मैन. इट्स लाइक आई थिंक इट्स नॉट सो मच ऑफ अ चॉइस ऑफ वॉट शी वॉन्ट्स टू डू एंड वेयर शी इज़ गोइंग और विद हु शी इज़ गोइंग टू लैंड अप. आई थिंक इट हैज़ टू डू विद हाउ इट्स गोइंग टू प्ले आउट. जो इन अ वे दिस लव ट्राइंगल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कमेंटिंग ऑन इट सेइंग व्हाट इज दिस लव ट्राइंगल, यू नो देयर्स, हाउ डू आई से, देयर इज अ लॉट ऑफ अंडर करंट इन हर रिलेशनशिप विद शान एंड शेली.
मुझे ज़्यादा बोलना नहीं बिकॉज ट्रेलर में आपने काफ़ी कुछ देखा है। मैं ऐसे ऐसे पैर मार रहा हूँ उसे कि मत बोलो ज़्यादा। नहीं, आपको देखना है ये। आई थिंक कहे तो कहानी का सबसे सेंट्रल पार्ट कहें तो ये रोमांस ही है। यू नो ये कहें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन था इवन बिटवीन शेली एंड कावेरी। और आप देखेंगे जैसे अभी ये नया पहलू आने वाला है, एंड यू सी कैसे एक नया एंगल आता है, एक नया आर्क आता है बिटवीन कावेरी एंड शान। तो ये जो डायनामिक्स बनने वाला है, आई थिंक इसी के ऊपर पूरा शो एक्चुअली यू नो खड़ा है उस पर। बहुत सारे ऐसे हाई पॉइंट्स हैं सेकेंड पार्ट में, जो आई थिंक फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक आइडिया होता है कि दिस इज़ द डायरेक्शन मे बी, बट द वे इट हैपेंस इज फुल स्टाइल। इट्स आई एम सुपर एक्साइटेड। आई थिंक मैंने तो अपने यहाँ पे एक पेपर नहीं लाया, मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबकी कहानी छोटी छोटी चिट लिख के रखी है। जैसे अगर ये भी अगर पार्ट, जैसे पार्ट वन इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इट वर्कड आउट, तो हम पार्ट टू लेकर आए हैं। और अगर पार्ट टू में भी इतना प्यार मिलेगा, यू नो स्काई इज़ द लिमिट, क्या पता। यू नो ये कैरेक्टर्स कहते हैं ना, कहानी ख़त्म होती है कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं। सो इंशाल्लाह वी होप इट वर्क्स आउट। Reason for finding, I have been very fortunate, sir, that actually in the last few years I've had a chance to be a part of successful films. So kahin na kahin ye lagta hai ki maybe I'm making choices which people are connecting to, and somewhere I'm grounded to reality, and I'm making choices which people are enjoying, relating to, or celebrating, be it a film or a show. I think I'm fortunate more than anything, and I think it also boils down to just the choices you make in the projects you choose, and the faith with which you move within those projects. So, just I guess I'm lucky. देखिए ये एक्चुअली एक किताब है, ये बहुत ही कहें तो बेस्ट सेलर बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध राइटर की, जॉन लकारे साहब। ही पास्ट अवे जब हम ये बना रहे थे। उनकी फैमिली एक्चुअली इसकी प्रोड्यूसर्स है इस शो की। तो टाइटल नाइट मैनेजर तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन था। हमें लग रहा था कि क्या रखे, बहुत हम लोग ने आई थिंक दो साल वी ऑलमोस्ट डिस्कस्ड अलग अलग टाइटल। और होता था कि मैं ऐसा प्रस्ताव भी रखता था और यहाँ पे शोभिता का हाँ प्रोटेस्ट कि नो नहीं नहीं जम रहा ये। आई थिंक या इवेंचुअली आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड। हमें लगा कि इसे नाइट मैनेजर ही क्यों ना कहें, यू नो इट इज जस्ट लाइक ये सोर्स मटेरियल से ऊपर बेस्ड है। एंड समवेयर जैसे आप कह रहे थे, देयर मे बी अ शो लाइक एन इंग्लिश शो, बट दिस हैज बीन अडैप्टेड टू द इंडियन मिल्यू, टू द इंडियन sentiment, that environment, yeah, and I think the idea was also to sort of honor the book and the writer where it all started. ये कहानी एक ही है। अगर आपको मैं कहूं कि जब मेरे वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स विशाल भारद्वाज साहब जब वो फिल्म बनाते हैं, तो वो शेक्सपियर की कहानी का शुरुआत अंत मध्य वो सब वही होता है। पर मज़ा वही आता है कि हम देखते हैं कि वो कैसे उनको ये पिरोते हैं अपने अपने देश की मिट्टी के साथ। तो हम यही कहेंगे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी होगा, और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो भी होगा। शोभिता क्योंकि वो सीनियर है मुझसे इस मामले में शोज में, शोभिता शुड आंसर दिस। जैसे कि बहुत
mean, I don't know as an actor if I should be so analytical. Somewhere मुझे लगता है कि जब एक honesty होती है या if a character is vulnerable or sensitive or there is when you root for the journey of a character, whether it's good or bad, you just want to watch them go through that journey. That's a character people want to watch. So as an actor, I feel I want to do those kind of parts जो लोगों को interesting लगे. My idea is that. क्या कावेरी अपने हस्बैंड के आगे नहीं जाके शान की मदद कर पाएगी? हस्बैंड? शैली हस्बैंड लगता है ऐसा. That's how people feel about. अच्छा ये ऐसा है कि हर एक अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन बने हैं. अच्छा है. सब कुछ पार्ट टू में पता चलेगा. सब कुछ पार्ट टू. He plays a boyfriend. Man friend. But as we are saying, part two may expect the unexpected. I mean, they are partners, Kaveri and Shelly, and they live their life together. And it is a very like they're very attached to each other. उसमें एक depth है, and they live in the same home. She's attached to Shelly's son from a previous marriage, but what happens when a wild card entry comes in? Or how it shakes the system is something you really get to see in the second part, and it's quite exciting to be honest, because I think we love watching relationship dramas play out. So yeah, thank you guys, thank you. Chaliye. सोलो सोलो कर ले, सोलो सिंगल सिंगल कर. अरे भूल जाओ बीच में. तो कौन है यार? तो कहीं तुम्हारे यहाँ पर बस बस सेंटर में देखिए. रुकिए सेंटर. हाँ उधर भी लेंगे, पहले यहाँ लेने दो. सेंटर में जा. आइए. हाँ ये सर अच्छा है. हाँ बस बस थोड़ा पीछे जाओ ना, पीछे जाओ ना. सब घूम जाओ. यहाँ पर नहीं है. ठीक है ओके. यस बस यहाँ वो तो क्लोज. दम क्लोज है. लुक दम क्लोज. थोड़ा पीछे आपका. अरे भाई नहीं नहीं भैया ठीक है. मेरा अभी राइट में. मैम लुक हियर सेंटर. सेंटर राइट. मैम राइट. राइट मैम. थैंक यू. करने दो.
सोलो सोलो लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट नहीं कीजिए कोई ना कोई तो आज लेडीज फर्स्ट हां पूरे जाओ किधर जाओ बस यहां सामने 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 यहां पर होल्ड होल्ड फुल फ्रेम मैम यहाँ पे सेंटर में बस पीछे 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 मैम थोड़ा पीछे जा पीछे 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 ये तुम लोग ए साइड घूमो यार हां घूम गए हां पीछे बीच में तो बीच में अरे क्या कर रहा है यार तुम ये मजे और पीछे आओ भाई फुल फ्रेम चाहिए और पीछे आओ ना मैम लुक किया भाई और पीछे आओ पीछे ए अमन मैम यहां पे अमन पीछे आओ फुल फ्रेम चाहिए कौन खींच रहा है पीछे मैम यहां पे ये कैमरे पे पीछे कैमरा मैम इस साइड मैम पीछे देखो ना थोड़ा और पीछे यहाँ पे इस साइड से मैम इस साइड से देख लीजिए मैम पीछे बस बस ले ले ये कैमरे पे लाइन थैंक यू ऑल द बेस्ट मैम एक बार और थैंक यू थैंक यू